आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। असम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ और लोगों का आशीर्वाद लेकर फिर एक बार मैदान में आई है और आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम लोग वॉकिंग द टॉक, इस प्रकार के हमारे पत्र का भी विमोचन कर रहे हैं। प्रायः ये होता है कि पार्टियां ये भूल जाती है कि पिछले चुनाव में उन्होंने क्या वादे किए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपने किए हुए वादों को खरा करते हुए उसका रिपोर्ट कार्ड ये लोगों के सामने पेश किया है। हम सभी जानते हैं कि 2016 में भारतीय जनता पार्टी एक प्रमुख पार्टी के रूप में असम में उभरी और करीबन डेढ़ दशकों का कांग्रेस का कुशासन समाप्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर सरकार बनाई। सर्वानंद जी सोनोवाल ये हमारे मुख्यमंत्री बने और एक बड़ा ही सक्षम ऐसा मंत्रिमंडल साथ में लेकर 5 सालों में उन्होंने एक अच्छा परिवर्तन किया और असम में सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए नॉर्थ ईस्ट के दरवाजे खुले और नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी जो एक बड़ी पार्टी नहीं मानी जाती थी, धीरे धीरे पूरे नॉर्थ ईस्ट की लोगों का प्यार पाने वाली, लोगों का विश्वास पाने वाली चहेती पार्टी के रूप में आज हमको भारतीय जनता पार्टी यहां दिखाई पड़ती है। पिछले 5 वर्षों में आसाम में पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस ये भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया और विशेष रूप से आप सभी जानते हैं कि 2016 में आसाम निर्माण डेवलपमेंट डायलॉग एक प्रक्रिया हम लोगों ने की थी जिसमें अलग अलग स्तर पर हमारे समाज के अलग अलग अंगों में काम करने वाले लोगों के साथ एक बहुत बड़ी चर्चा, वार्ता, डायलॉग हम लोगों ने किया था और एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया था। 2016 से 2025 तक का कि हम आसाम को कौन सी दिशा में ले जाना चाहते हैं, किस प्रकार से आसाम को हम विकसित करना चाहते हैं। और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी होती है कि भले ही ये विजन डॉक्यूमेंट 2025 तक के आसाम का विजन डॉक्यूमेंट था, किंतु इसमें से 60% चीजें हम लोगों ने अचीव की है, उनको हमने पूरा किया है और लोगों के सामने हम उसको ला भी रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक हम लोगों ने सपना देखा था आसाम के बारे में, हमारे सपनों का आसाम, इस प्रकार का जो एक नारा हम लोगों ने दिया था कि जिसके माध्यम से आसाम की जो क्षमता है उस क्षमता को पूरे तरीके से विकसित करना, उसको पहचान कर उस क्षमता का उपयोग आम असमिया हमारा जो नागरिक है उसके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए करना, और उसी दृष्टि से असम का एक जो बाहरी दुनिया में इमेज है उस इमेज को एक प्रोग्रेसिव इमेज के रूप में, क्योंकि असम की हिस्ट्री तो बहुत हम लोग जानते हैं कि एक संस्कृति से भरी हुई है और देश को दिशा देने का काम एक जमाने में
आसाम ने किया है, और इसीलिए उसी संस्कृति को, उन्हीं संस्कारों को साथ में लेकर हम कैसे इसकी नई इमेज तैयार कर पाए, इस प्रकार का विचार किया था। और इसलिए बराक और ब्रह्मपुत्रा की जो वैली है इसका अंतर कम हो, जो हमारा हिली एरिया और प्लेन एरिया है इसके बीच की दूरी कम हो, जो एक प्रकार का समृद्धि का अंतर है उस अंतर को हम पाटे, इस प्रकार की कई योजनाएं हम लोगों ने इसके माध्यम से की। और मुझे ऐसा लगता है कि इन 5 सालों में सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर कोई होगी तो जिस प्रकार से मोदी जी ने देश में एक गरीब कल्याण का एजेंडा चलाया, एम्पावरमेंट का एजेंडा, अधिकारिता का एजेंडा, जो विकास से वंचित है उनको अधिकारिता देने का एजेंडा, उसी एजेंडे पर असम की सरकार ने भी काम किया। और मुझे खुशी है कि चाहे वो युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे चाय बगान के वर्कर हो, या फिर हमारे दिव्यांग हो, हमारे सीनियर सिटीजन्स हो, सभी के लिए असम की सरकार ने बहुत ही अच्छा काम पिछले 5 वर्षों में किया, ये हम सब लोगों ने देखा। और विशेष रूप से ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये मानती है कि हम राज नहीं बदलना चाहते, हम समाज बदलना चाहते हैं। जब समाज बदलता है और समाज के अंतिम व्यक्ति को अधिकारिता मिलती है तभी राज बदलने का लोगों के मन में एहसास तैयार होता है, और उन्हीं लोकतांत्रिक मूल्यों को नीचे तक ले जाने का काम यहां पर हुआ। हमारे चाय बगान के लोगों के लिए फिर स्कूल और हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, सुविधा हो, 3 लाख से ज्यादा लोगों को जमीन का अधिकार, लैंड राइट्स, जमीन के पट्टे देने की बात हो, या फिर सीनियर सिटीजन्स को डीबीटी के माध्यम से पेंशन देने की बात हो, कई तरह के काम सरकार ने किए। और सबसे बड़ी बात, चूंकि हमारा तो नारा है संस्कृति, समृद्धि और सुरक्षा, असम की जो एक अपनी संस्कार है, संस्कृति है, सभ्यता है, उसको संग्रहित करना, उस पर कोई आँच ना आए, असम का आम आदमी समृद्ध बने और असम सुरक्षित हो। और मुझे इस बात की खुशी है कि आप सभी ने देखा कि 8 बड़े-बड़े इंसर्जेंट ग्रुप्स, इन्होंने आत्मसमर्पण किया और बहुत बड़े पैमाने पर इंसर्जेंसी और एक प्रकार से असम और देश को और देश के तंत्र को जो लोग खोखला करना चाहते थे, ऐसे लोगों का भी मत परिवर्तन और मन परिवर्तन होकर वो देश की मुख्य धारा में असम में आए, ये मैं मानता हूं कि इस सरकार की ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ साथ जो लुमडिंग और सिलचर की ब्रॉड गेज की बात हो, या बराक वैली तक ब्रॉड गेज की कनेक्टिविटी हो, ये सारी चीजें जिस प्रकार से एक प्रकार का जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो उससे भी इंटीग्रेशन होता है। हम जब 2 वैलीज को जोड़ते हैं, 2 राज्यों को जोड़ते हैं, तो इसके माध्यम से एक समाज का एकात्म भाव तैयार होता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि धौला सदिया जो ब्रिज है लोहित नदी के ऊपर, इसने असम और अरुणाचल प्रदेश को एक प्रकार से जोड़ने का काम किया, या फिर जो रेलवे रोड ब्रिज है बोगीभील पर ब्रह्मपुत्रा के ऊपर, इसके कारण भी बहुत बड़े पैमाने पर नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी ये तैयार हुई। और इस कनेक्टिविटी के कारण जो डिस्पैरिटी है,
उस डिस्पैरिटी को दूर करने का काम ये सरकार के माध्यम से हुआ है, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो पुलिया हो, अलग अलग प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत काम आज असम में पिछले 5 सालों में सरकार ने किया है। और इसके साथ साथ मैं इस सरकार को एक और चीज के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, कोविड का जो मैनेजमेंट असम में हुआ है, क्योंकि मैं उस राज्य से आ रहा हूं जिस राज्य में आज पूरे देश में जितने कोविड के पेशेंट हैं उसमें से 65% पेशेंट, एक्टिव पेशेंट जिस अकेले राज्य में, उस राज्य से मैं आता हूं, तो मैंने यहां पर कोविड का जो मैनेजमेंट देखा, टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, ये दो मामलों में देश में मिसाल हो इस प्रकार का काम ये असम की सरकार ने असम में किया, और जिसके कारण कोविड के मामले में एक हम लोग उसको रोक भी पाए, लोगों की जान भी बची और एक अच्छा काम यहाँ पर हुआ। कुल मिलाकर मैं ऐसा मानता हूँ कि चाहे वो सामाजिक सुरक्षा हो, चाहे वो आर्थिक विकास हो, चाहे राज्य का भौतिक विकास हो, ये सारे मायनों में इस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो लीडरशिप, उनका जो नेतृत्व हमको मिला, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार आसाम में, ये जो डबल इंजन की सरकार यहां पर चली, इसके कारण एक नई ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री ये आसाम को प्राप्त हुई है। और मेरा मानना है कि आने वाले 5 वर्षों में असम को एक नई लीक में ये सरकार लेकर जाएगी। जिस प्रकार का लोगों का उत्साह, जिस प्रकार का लोगों का प्रेम दिखाई पड़ रहा है, और वैसे तो हमारे विरोधियों ने भी ये मान लिया है कि बीजेपी असम में जीतने वाली है, क्योंकि परसों मैं हमारे शरद पवार जी का स्टेटमेंट सुन रहा था, तो हालांकि मैं उनके स्टेटमेंट से पूरे तरीके से सहमत नहीं हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि देश में जो चुनाव हो रहा है उसमें असम में तो बीजेपी जीतेगी, बाकी जगह नहीं जीतेगी। मैं पवार जी को कहना चाहता हूँ, बाकी जगह भी बीजेपी जीतेगी, लेकिन जब पवार जी भी ये मानते हैं, शरद पवार जी भी मानते हैं कि असम में बीजेपी जीत रही है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि बड़े पैमाने पर एक अच्छी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, और एक नई क्षमता के साथ, एक नई ताकत के साथ अगले 5 सालों में असम की तरक्की के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। यार जी प्रश्न आसे अपना लगे कोई होगा उसके बाद कर लेते तो आमी इतिया आग बड़ी सो अमार आसे क्या प्रश्न। हाँ सबसे बड़ी बात तो यह है कि बांग्लादेश की सीमाओं को बंद करने का एक बड़ा काम सरकार ने हाथ में लिया है, और उसमें बहुत बड़े पैमाने पर सरकार ने यश भी पाया है। अभी थोड़ा काम बाकी है, लेकिन वो भी काम पूरा होगा। आप पहले आना बंद करेंगे तभी आप लोगों को उस प्रकार से उनके ऊपर कार्रवाई कर पाएंगे। तो आज सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से हमारी सीमाओं को मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित किया गया है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो, और हमने तो देखा कि भारत आज एक मजबूत देश के रूप में उभर रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से पहली बार इतने वर्षों में चीन को भारत ने खदेड़ा, इससे पहले आप कोई भी इंसिडेंस उठाकर देखिए, जब भी चीन ने आक्रमण किया है या चीन आगे बढ़ा है, तो भारत का कोई ना कोई भूभाग ये चीन ने कब्जे में लिया, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि 1 इंच भी भूमि नहीं मिली और चीन को पीछे हटना पड़ा। तो चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो, सब जगह पर हमारी
सुरक्षा को मजबूत करने का काम हमारे मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। देखिए महाराष्ट्र की बात तो महाराष्ट्र में करेंगे, बस आपने पूछा है तो इसलिए इतना ही कहता हूं कि अभी इसमें बहुत चीजें आनी बाकी है, ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो काफी चीजें अनफोल्ड होगी। देखिए ऐसा है, पहले तो बीजेपी ने अपना प्रॉमिस फुलफिल किया, लेकिन चूंकि हाईकोर्ट ने उसके ऊपर स्टे दिया है तो हाईकोर्ट में हम लोग पैरवी कर रहे हैं। शायद आज भी उसकी तारीख की क्या हुआ मुझे पता नहीं, आज या कल वो एक दो दिन में है, पर हमारा जो प्रॉमिस है उसको हम पूरा करके रहेंगे, चाहे कितनी भी हमको लड़ाई लड़नी पड़े कानूनन कोर्ट में, जहां तक लड़ाई लड़नी पड़े बीजेपी लड़ाई लड़ेगी और इसको पूरा करेगी। ऑपोजिशन सेइंग दैट इट्स इंटेंशनल बिकॉज़ देयर वाज अ नोटिफिकेशन एंड हाउ टू द पार्टी लाइक बीजेपी इज नॉट फॉलोइंग। देखिए उनके कार्यकाल में जितना अत्याचार चाय बगान के सारे लोगों पर हुआ और उन्होंने हमेशा किसकी साइड ली ये भी हम लोगों ने देखा है, तो अब उनको ये ध्यान में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जब ये सारे वेजेस बढ़ा सकती है और इसके कारण उनका चेहरा अब लोगों के सामने खुला हो रहा है, तो इसलिए इस प्रकार की बातें वो करते हैं। बीजेपी ने हिम्मत दिखाई है और हिम्मत के साथ बीजेपी ये करके रहेगी। सर इस बार असम का सुप्रीम कोर्ट का कहने की का केस वो होना है, क्योंकि पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अलॉट कर दिया था कि सामान्य सुनवाई होगा, लेकिन इस बार देखिए भारतीय जनता पार्टी में साधारणतः जहाँ पर हमारा राज होता है, जहाँ पर हम लोग इनकम्बेंट गवर्नमेंट होते हैं, वहाँ पर इस प्रकार से हम घोषणा नहीं करते, और ये सारी की सारी जो बात है ये तो प्रधानमंत्री जी और सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के अख्तियार में आती है, इसलिए इसके बारे में कमेंट करने का मेरा अधिकार नहीं है। और एक बात सर, आनंद फलन में ये बात भी निकल रहा है कि इस बार देखिए जब चुनाव चलता है ना तो कई प्रकार की बातें आती है, आपको कल को ये भी सुनने को मिल सकता है कि मैं यहाँ का मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ, तो मेरा क्या असम से संबंध है, मैं तो महाराष्ट्र में भी नहीं बनाऊ, इसलिए चुनाव में ऐसी चीजें चलते रहती है, आप ज्यादा उस पर आप चिंता मत कीजिए, उसकी सही समय पर सही चीजें होगी। महागठबंधन के ऊपर आपको क्या विचार है? देखिए ये महाजोत नहीं है, महाखोट है, सारे के सारे खोटे लोग एक साथ आए हैं और इनका एक ही एजेंडा है। देखिए एजेंडा चुनाव का क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए, सुरक्षा होना चाहिए, समृद्धि होना चाहिए, इनका एजेंडा है बीजेपी को परास्त कीजिए, उसके लिए साम दाम दंड भेद जो भी करना पड़े वो हम करेंगे, लेकिन इस महाखोट को असम की जनता नकारेगी और बीजेपी को ही आशीर्वाद देगी। হব এতিয়া আমাৰ এখন বুক ৰিলিজ আছে, মই বুকখন আই ৰিকুৱেষ্ট অনাৰেবল দেৱেন্দ্ৰ ফাৰ্ণাণ্ডেজ টু ৰিলিজ দ্য বুক। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।